समझौते को स्वीकार करिए। मायावती की सरकार हमारा तो कोई समझौता नहीं है। देखिए मायावती की सरकार में हम बहन जी की सरकार में मायावती की जी की सरकार में मुलायम सिंह जी का घर सील कर दिया गया। मुलायम सिंह जी के घर के बाहर फोर्स लगा दी गई, बल्लियों से उनका घर बांध दिया गया। अखिलेश यादव एयरपोर्ट पर उतरते गिरफ्तार कर लिए गए। शिवपाल जी पर पुलिस ने हमला किया और जितना भी मायावती की सरकार में दमन जुल्म अत्याचार अन्याय सब सहा लोगों ने। रविदास जी ये रस्मी ड्रामे हैं, ये आप लोग खूब देखे। अरे रस्मी सरकार जब दमन पर उतारू होती है ना, तो दमन आपने तो देखा ना 19 महीने का दमन, आपको याद नहीं दमन क्या होता है? 6 महीना जमानत नहीं होती, जेल में होते धर्मेंद्र यादव और आप भी अंदर थे इमरजेंसी में, आप भी अंदर थे भाई साहब। 20 महीने ये दमन है, ये दमन है, ये 144 लग जाए ये दमन है। पुलिस वाला खड़ा हो जाए घर के बाहर ये दमन है। मुझे याद है वो घटना मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में भी उठाई थी कि हम और अखिलेश निकल रहे थे और हमारा जहाज छूट गया, लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए, ये कोई दमन है? इसलिए ये उत्तर प्रदेश की भोली जनता अगर उम्मीद करे कि ये जेल चली जाएंगी या वो जेल चले जाएंगे जब ये आएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। मित्रों की टिप्पणी कर दीजिए संक्षेप में। मायावती जी के साथ एक सवाल हमेशा उठेगा, अजीज खान साहब कुछ भी कहें, कि उन्होंने जन सरोकारों के लिए कभी सड़क पर संघर्ष नहीं किया। नेहरू ने वो काम किया, गांधी ने वो काम किया, पटेल ने किया, जाकिर हुसैन ने किया, किसने नहीं किया इस देश में? बड़े से बड़े नेता को देख लीजिए, बड़े से बड़े नेता को जेल गया, डंडे खाए, लाठी खाए, जयप्रकाश लोहिया, सैकड़ों उदाहरण गिना सकते। मायावती जी ने कभी जन सरोकारों के लिए संघर्ष नहीं किया। ये मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में अकेली राजनेता होंगी जो इतने बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही जिसने कभी जेल यात्रा नहीं की, एक दिन के लिए भी नहीं की, 144 के उल्लंघन में भी जो कभी जेल नहीं गई। वो अपनी ड्राइंग रूम से बैठकर बात करती है या उड़न खटोले से सीधे मंडप में उतरती है, भाषण देती है और फिर उड़न खटोले से वापस। ये जलवा है उनका, ये तरीका लोकतंत्र में बहुत अच्छा नहीं है। जब आप सत्ता में रहे तो आप उस प्रदेश में रहेंगे, दिन गिन के बता दें अजीत साहब जिस दिन से मायावती जी हटी है 14 मार्च से कितने दिन लखनऊ में रही है। अमिताभ भाई मैं बताना चाह रहा था वही जी, चूंकि बहन जी को पूरा देश देखना है और हर आज से पूरा देश देखना है क्या भाई, संगठन खड़ा करना है। अरे अजीत साहब आप शायद तब नहीं जुड़े थे, आप शायद तब नहीं जुड़े होंगे, मैं काशीराम के समय के उदाहरण बता दूंगा आपको, आप तब नहीं जुड़े होंगे, मैं काशीराम के समय के उदाहरण गिना दूंगा आपको। तब तो पूरा देश नहीं देख रही थी, तब तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी मायावती, उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी जब मुलायम सिंह की बसपा के साथ सरकार बनी थी, तब मायावती जी इंचार्ज थी स्टेट की, तब देश नहीं था उनके जिम्मे। मायावती जी एटा, इटावा, फरुखाबाद, हमीरपुर, झांसी, जालौन, गरौठा, मुरादाबाद, गाजीपुर कभी नहीं गई धरना प्रदर्शन करने, नेवर। तब तो केवल प्रदेश की प्रभारी थी आपकी बात, तो मैंने यही तर्क उन्मूलन कर दिया। तर्क उन्मूलन आज क्या बात आप कह रहे हैं, काशीराम ने इनको प्रभारी बनाया था तब भी ये नहीं की गाजीपुर से गाजियाबाद तक। ये उलन खटोले की राजनीति, और दुख इस बात का होता है वो उस वर्ग की नेता है जो वर्ग सड़क पर ही सोता है, जो सबसे वंचित वर्ग है समाज का, जिसके पास सिर्फ आंसू है और कुछ नहीं है, और उसकी नेता केवल हवा में मिले, सिंहासन पर मिले, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ठीक बात है। और इसीलिए जब हजार हजार रुपए के नोटों की माला पहनाई जाती है मायावती जी को, जब हंगामा होता है, चुनाव आयोग संज्ञान लेता है, पीआईएल होती हैं, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी अचानक से सामने आते हैं और कहते हैं कि चूंकि दलित की बेटी दौलत वालों की तरह नोटों की माला पहन रही है, इसलिए मनुवादी हल्ला मचा रहे हैं, हम और ज्यादा नोटों की माला पहनाएंगे, क्योंकि दलित की बेटी को दौलत की बेटी बनाकर हम पूरे दलित समाज का उत्थान करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी से, नसीमुद्दीन जी से, सतीश चंद्र मिश्रा जी से और तमाम बड़े नेताओं से, मौर्य जी वगैरह से, कि भैया उत्तर प्रदेश में 4 बार आपकी यही दलित की बेटी मुख्यमंत्री रह ली, क्या भला हुआ दलित का? आज भी दलित सड़क पर ही है
और मायावती जी के लिए एक शेर कहना चाहूंगा जो मायावती जी के ऊपर फिट बैठता है कंप्लीटली, कि आज के दौर में वही सबसे बड़ा है जो किसी और के कांधे पर खड़ा है। दलितों के कांधों पर खड़ा होकर मायावती जी खुद को भले ही बड़ा बताएं, लेकिन दलितों की हालत क्या है ये तो हम और आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजीज खान साहब अभी आपको फोन करूंगा इस शो के बाद, और आपसे उस पंडित का नंबर लूंगा जिसने मुहूर्त निकाला है बहन जी का। मैं सिर्फ ये बात कह रहा था। ना ना, अब बात कहने का टाइम खत्म हो गया। मैं फोन करूंगा, तब तक आप नंबर जुगाड़ लीजिए पंडित जी का, और कोई अगर मौलवी हो तो और अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक ब्रेक, ब्रेक की उस पार बात उत्तराखंड की होगी। JB Institute of Technology Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम आजली क्या? सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, पास पास आओ, पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स, निर्माता सुपरटेक। भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया हैज एवर सीन। क्या स्टेडियम बनना चाहिए? चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं, कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR Enterprises के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। यही तो हुई। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी, निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। पहाड़ों को न जाने किसकी नजर लग गई साहब, पहले हंसता खेलता सूबा तबाह हो गया, अब वैज्ञानिकों की आशंकाएं मारे डाल रही हैं, खाए जा रही हैं। आंखें अगले दिन का सूरज देखेंगी कि नहीं, कुछ पता नहीं है। कब धरती हिल उठे, कब बचा खुचा सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाए। भू वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि हिमालय पर आए भूकंप को 100 वर्ष हो चुके हैं और 100 वर्ष बाद भूकंप अपने इतिहास को दोहराता है। बानगी हिमाचल के कांगड़ा में देखने को मिल चुकी है। इस बड़े गंभीर संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली से हैं, आपको देहरादून लेकर चलेंगे। भाई प्रकाश पंत हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड, शानदार, बहुत ज्यादा आप पढ़े लिखे, तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करने वाले नेता हैं। हमारे साथ भाई सूर्यकांत धस्माना जी हैं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली में हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार सिंह साहब हैं, आप प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के।
आप सभी लोगों से एक एक करके इस मुद्दे विशेष पर बातचीत करेंगे। तो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनजीआरआई ने 4 वर्षों के शोध के बाद चेतावनी जारी की है। चेतावनी ये कि हिमालय पर 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप की एक बड़ी आशंका है। और इसके अलावा ये जो चेतावनी है ये कुमाऊं और गढ़वाल में भूकंप आने की है। पहाड़ों की बुदबुदाहट को किसी ने नहीं सुना। जब प्रकृति दहाड़ी तो पूरे उत्तराखंड की चीख निकल गई। सरताजों की सांसें अटक गईं, पूरा सूबा सिसकियों तले दुबक गया। राज्य आपदा की एक आफत तो झेल गया मगर दूसरा दुर्दांत मुंह बाएं खड़ा है। भूकंप से कांगड़ा कांप चुका है लेकिन कांगड़ा का भूकंप बानगी भर था, असली बर्बादी तो आने वाली है। भूकंप वैज्ञानिक भी इसकी आशंका जता चुके हैं। पास्ट डाटा को देखते हुए और प्लेट मोशंस को देखते हुए, जियोलॉजिकल डाटा को देखते हुए, इन सब डाटाओं को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ भूकंप संभावित है। हिमालय में पल रहे भूकंप से सभी आशंकित हैं। 108 साल पहले हिमालय भूकंप के भय से थर्रा उठा था और 108 साल बाद फिर से हिमालय का दिल धड़कने वाला है। 108 साल पहले आए भूकंप के 2 केंद्र थे। पहला केंद्र कांगड़ा कुल्लू और दूसरा केंद्र मसूरी देहरादून इलाके में था। 108 साल पहले 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। इस भूकंप में 1 लाख इमारतें ध्वस्त हो गई थी, 20,000 लोगों की जाने गई थी, 53,000 जानवर मारे गए थे। समय के पहिए पर घूमते हुए समस्या फिर सामने है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 100 साल बाद भूकंप अपने इतिहास को जरूर दोहराता है। 100 साल हो चुके हैं, खतरे की घंटी बज चुकी है। भयंकर भूकंप से जापान तो उठकर खड़ा हो गया था लेकिन हम में इतनी ताप नहीं है। निश्चित तौर पर जो मानक हैं इसके, जो भूकंप के, उनके आधार पर किस तरह से इन एरियाज को सुरक्षित किया जाए या जो नव निर्माण होना, जो मकान बनने ये बनने, उनको किस तरह से बचाया जा सके, सरकार इस पर गौर करेगी और करना चाहिए। हिंदुस्तान का निगहबान हिमालय अब विद्रोह करने वाला है, भूकंप से हिलने वाला है। उत्तराखंड को पानी ने पटखनी दी तो अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनजीआरआई ने 4 साल के शोध के बाद चेतावनी जारी की कि हिमालय 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप से भयभीत कर देगा। साथ ही साफ तौर पर चेतावनी कुमाऊं और गढ़वाल में भूकंप आने की दी। साहब के मुताबिक सरकार कदम उठाएगी। तो निश्चित रूप में हमें तैयारी करनी होगी और जो भी नया कंस्ट्रक्शन होगा, जैसे कि आपको पता है रिहैबिलिटेशन के लिए हम नए इस समय मकान बनाने जा रहे हैं, तो वो भूकंप विरोधी होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर पहाड़ों की जमीन पर जलजला आया तो बांध बेबस हो जाएंगे, नदियां कहर ढाएंगी, इमारतें जमींदोज हो जाएंगी। ये केवल एक खतरा नहीं है, एक रिपोर्ट नहीं है, कुछ पन्नों का पोथा नहीं है, ये महाविनाश और महाप्रलय की आशंका है। सूबे की सरकार को कदम बढ़ाना होगा, जो कुछ बच सके उसे बचा लेने की कोशिश में, इससे पहले कि आशंका भविष्य की हथेली पर हस्ताक्षर करके चली जाए। जल प्रलय की कड़वी यादों से उत्तराखंड के लोग अभी उबर भी नहीं पाए हैं और अब भूकंप की चेतावनी सामने आई है। हैदराबाद के एनजीआरआई और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 8 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो राज्य के कई बांधों को खतरा हो सकता है। दरअसल ये एक चेतावनी है, इसलिए राज्य सरकार को वक्त रहते अलर्ट होने की जरूरत है। कैमरामैन पवन और अपने सहयोगी राहुल डवास के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून समाचार प्लस। प्रकाश जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है। मुझे लगता है कि हम इसके लिए शायद अभी केवल चर्चा कर रहे हैं और सरकारें या सिस्टम अभी इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। अतुल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के दृष्टिगत अगर हम विचार करेंगे भूकंप का, तो अभी तक तो ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी जो भूकंप का पहले से पूर्वानुमान कर सके। ठीक है, उत्तराखंड के दृष्टिगत हम, हमारे यहाँ 2 तरह के जोन में डिवाइड है उत्तराखंड, जिसमें से जोन 5 और जोन 4 है। जोन 5 में हमारे 4 जिले हैं जिनमें से चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले हैं।
इन जो जो सेस्मिक जोन में है पांच चार जिले हैं, इनमें जो मूल रूप से जो एक्टिव फीचर है इसका थ्रस्ट का आपके इस भूकंप का, उसके दो प्रमुख अवयव हैं, जिसमें से एक तो